गाइज वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल कैसे हो आप सब लोग। और आज मैं इस वीडियो में रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। जो प्रोडक्ट मैं रिव्यू शेयर करने वाली हूँ वो काफ़ी मतलब एक हद तक फेमस रहा है, अभी भी है, और उसका मैं रिव्यू करने जा रही हूँ। तो पता नहीं कमेंट में कैसे कैसे कमेंट्स आने वाले। तो जिस प्रोडक्ट का मैं रिव्यू करने वाली हूँ वो प्रोडक्ट मैं अभी नहीं बताऊँगी, पूरा वीडियो बाकी है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं ताकि आप जल्दी से देख सको किस प्रोडक्ट का मैं रिव्यू करने वाले हूँ। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जिस प्रोडक्ट का मैं रिव्यू करने वाली हूँ वो है ये प्रोडक्ट, वाव का हेयर लॉस कंट्रोल थेरापी शैम्पू। तो इस प्रोडक्ट का मैं रिव्यू करने वाली हूँ आज, और ये पूरा ख़त्म हो चुका है, बस थोड़ा इतना सा ही बचा है। मैंने इसे पूरा यूज़ किया है इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं कोई भी प्रोडक्ट ऐसे ही आपको रिव्यू नहीं दे देती, मैं उसका पूरा मतलब कि उसे यूज़ करने के बाद ही आपके साथ रिव्यू शेयर कर सकती हूँ, और मुझे करना भी चाहिए ताकि आपको पता चले कि अच्छा है या नहीं और आप ले सकते हो या नहीं। तो ये जो प्रोडक्ट है वाओ का है, वाओ इज़ अ बहुत ही फेमस ब्रांड है, वाओ और आजकल बहुत ही ट्रेंड में है। तो इसमें आयुर्वेदिक और वेस्टर्न का मिक्स फॉर्मूला है। तो ये जो है नो पैराबिन है, नहीं सल्फेट है, ना ही सिलिकॉन कलर, आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस कुछ भी नहीं है इसमें। डीटीएच ब्लॉकर है, प्लस ब्रिंगराज है इसमें। ब्रिंगराज हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। मैं ओनली शैम्पू का रिव्यू करूँ, कंडीशनर का नहीं कर रही क्योंकि मैं कंडीशनर यूज़ नहीं करती। आप बोल रहे हो शैम्पू का रिव्यू कर रहे हो कंडीशनर यूज़ नहीं करते, बिकॉज मुझे कंडीशनर अच्छे नहीं लगते। मैं कंडीशनर की जगह कोकोनट ऑयल यूज़ करती हूँ। वो कैसे यूज़ करती हूँ वो मैं आपको कभी किसी और वीडियो में बताऊँगी। तो इसकी जो नेट वॉल यानी कि क्वांटिटी है वो 300 ml है, और इसमें जो भी की इंग्रेडिएंट्स है वो है बायोटीन, विटामिन B3, रोजमेरी एसेंशियल ऑयल्स है इसमें सारे, आलमंड ऑयल है, आर्गन ऑयल है, सोडियम बेंजोल्ट है, पोटेशियम सॉर्बेट है, फिर प्योरीफाइंग वाटर है, हीना है, हीना एक्सट्रैक्ट है, आंवला, नीम, मेथी, शिकाकाई, ब्रिंगराज सारा इसी में ही है, और ये सारे हैं। और इसमें बहुत सारे केमिकल्स की लिस्ट दी हुई है, मैं यहाँ पे पूरा पढ़ूंगी तो बहुत देर हो जाएगी। तो इसमें और हाउ टू यूज़ लिखा है, शैम्पू किसे यूज़ करना है तो सबको पता है, ठीक है। तो इसका जो है प्राइस है वो 499 यानी 500 का है, पूरा 500 का है। यस गाइस 300 ml 500 का है, ओके। तो अब मैं आपको बताऊंगी ये शैम्पू मैंने यूज़ किया, ठीक है। मुझे हेयर फॉल की बहुत प्रॉब्लम है, पता नहीं क्यों बट मुझे हेयर फॉल की बहुत प्रॉब्लम है। तो मैंने इसके बारे में बहुत सुना है कि वाओ के प्रोडक्ट जो भी है बहुत अच्छे आते हैं। तो मैंने ये हेयर लॉस कंट्रोल शैम्पू यूज़ किया, ठीक है। मैंने ये तकरीबन 4 महीने से यूज़ कर रही हूँ, ओके। वीक में 2 टाइम, वीक में 2 बार मैं इसे यूज़ करती हूँ शैम्पू एंड देन कंडीशनर, ओके। तो मैंने इसे यूज़ किया और इसका मैंने ऑयल का भी रिव्यू किया। यस गाइस, तो मैंने इसका वाओ का ऑनियन हेयर ऑयल का रिव्यू किया है, उसका भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप ज़रूर चेकआउट करना। तो यस, इसके मैंने यूज़ किया, और देन मैंने जब इसको यूज़ किया और जब मैंने हेयर वॉश किया तो ट्रस्ट मी गाइस, जो मेरे हेयर फॉल कम होने चाहिए उसकी जगह मेरे हेयर फॉल बढ़ रहे थे। यानी कि जो कम तो होगा नहीं पर बढ़ेगा भी नहीं, ऐसा हो गया था। ना ही इससे मेरा हेयर फॉल कंट्रोल में आया है, ना ही कुछ हुआ है, मुझे नहीं पता। और यस गाइस, ये जो शैम्पू का फॉर्मूला है वो पूरा ऐसा होता है ना, झाग झाग होता है हमारे शैम्पू में, इसमें वो झाग नहीं होता, यानी फोम नहीं होता। ये विदाउट फोम शैम्पू है, शैम्पू तो लगेगा बट ज़्यादा फोम नहीं, बहुत ही थोड़ा फोम है, आई थिंक 2-3% फोम है बस इसमें। और इसमें जो हेयर लॉस लिखा है, मुझे हेयर लॉस में कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ है। ये मेरे लिए कंप्लीट बोल सकते हैं कि वेस्ट प्रोडक्ट है मेरे लिए, इसका कोई भी फ़ायदा मुझे नहीं हुआ है। मेरे 500 ऐसे ही पानी में चले गए, मुझे इसका कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। तो अगर आपको इसका फ़ायदा हुआ तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हैं, मुझे पता नहीं है मुझे इसका फ़ायदा क्यों नहीं हुआ। और इस शैम्पू का जो बोल सकते हैं फॉर्मूला बहुत अच्छा लगा मुझे, बाकी अदरवाइज ये शैम्पू बहुत ही अच्छा है बट मेरे ऊपर वर्क नहीं किया। हो सकता है आपके ऊपर वर्क किया बट मेरे ऊपर वर्क नहीं किया,
बस ये मुझे आपसे के साथ शेयर करना था, ताकि आप ये प्रोडक्ट लेने से पहले आप सोच लो, यानी कि कभी आप ये मेरा रिव्यू देख लो तो देख सको कि मुझे हुआ कि नहीं। और मैं बोल सक आपको बता देती हूँ, मेरा जो स्कैल्प है वो ऑयली स्कैल्प है, मेरी स्किन भी ऑयली है और मेरा स्कैल्प भी ऑयली है। मुझे बोलते हैं स्प्लिटर की प्रॉब्लम नहीं है, पर मेरा स्कैल्प ऑयली है, यस। तो मुझे ये शैम्पू बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, मेरे ऊपर वर्क ही नहीं किया, ये टोटली वेस्ट ऑफ प्रोडक्ट है। तो आप इसे सोच समझ कर परचेस कीजिए। अगर इसमें कोई छोटी सी बॉटल भी नहीं आती कि आप जा आप थोड़ा सा चेक कर ले आपके वर्क कर रहा है या नहीं। पूरी हमें 300 ml की बॉटल लेनी पड़ती है, तब जाके हमें पता चलता है कि हम पे वर्क किया या नहीं, तो हमारे पैसे वेस्ट, यानी कि हमारा मनी वेस्ट हो जाता है। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही, आपको लेना है तो ले सकते हो, अदरवाइज आप स्किप कर लो, आपको नहीं लेना आप दूसरे कोई प्रोडक्ट यूज़ करो, ओके। तो ये था वाओ का शैम्पू का हेयर लॉस कंट्रोल थेरेपी शैम्पू का रिव्यू। तो यहाँ पे हमारा मेकअप क्या बोल रही हूँ मैं, तो यहाँ पे हमारा जो रिव्यू होता है वो कंप्लीट होता है। तो अगर आपको वीडियो रिव्यू अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, ताकि उनको भी पता चले कि हमें ये शैम्पू खरीदना चाहिए या नहीं चलना चाहिए। ऑल्सो कॉमेंट मुझे बताना कि अगर आप पे ये वर्क किया है तो कैसा, मतलब आपके आप पे ऊपर वर्क किया है तो कैसा वर्क किया, आपके हेयर लॉस कंट्रोल में आए हैं या नहीं आए हैं। और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को और बेल को हिट भी कर देना, ताकि जो भी अच्छे अच्छे वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूँ वो आप देख सकें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, टेक केयर, बाय।